नमस्कार साथियों, आज के मंडी के गेट की और मंडी के अंदर की स्थिति जिस प्रकार की आज की देखने को मिली है, इस पर एक चर्चा करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मंडी से अंदर से लेकर मंडी के गेट तक की क्या स्थिति आज की दरअसल मंडी के अंतर्गत की हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, ये 11 मार्च 2024 के दिन की आज की अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये दोपहर बाद की अपडेट है, तो बाजारों में तो कोई परिवर्तन आज भी दोपहर बाद में देखने को नहीं मिल रहा है। सुपर क्वालिटी है जरूर, तो मंडी के अंदर बिकी हुई है 13,700 रुपये तक ऊपर में मंडी के अंदर बिका है। बाकी जिस प्रकार का माल, जिस प्रकार की क्वालिटी, वैसा भाव मंडी के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी बाजारों में अभी दोपहर बाद में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। लेवली सुपर मालों में काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है दोस्तों। अब मंडी की मैं स्थिति को लेकर चलता हूँ, तो सुबह में जो नीलामी कार्य मंडी के अंदर चला था, तो वो मेन वाली जो फील्ड साइट थी उसके अंदर का नीलामी कार्य शुरू हुआ था। तो वो लगभग मेन जो फील्ड है वो लगभग पूरी तरह से अभी कंप्लीटेड हो चुका है उसके अंदर का नीलामी कार्य। अभी जो सेकंड नीलाम चल रहा है दोस्तों, वो गली फील्ड में होते हुए वो आपको कैंटिंग के पीछे वाला जो फील्ड साइड है उसके अंतर्गत अभी नीलामी कार्य प्रगति पर है। तो उसमें भी अगर आपको बता दूं तो 10 से 15 मिनट और नीलामी कार्य चले, इतना ही माल उसके अंदर पड़ा है। तो अभी की टाइमिंग के अनुसार जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ये 3:20 के आसपास का अभी समय हो रहा है। और इसी समय अनुसार अभी मैं आपको जानकारी दूँ तो लगातार वाहन मंडी की ओर आ रहे हैं। और मैं आपको जिस टाइमिंग के अनुसार अपडेट दे रहा हूँ, जिस टाइमिंग के अनुसार आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसके बाद में और भी वाहन मंडी की ओर आ रहे हैं। तो इसके बाद में जो जानकारी दूंगा मैं, इसके बाद में और भी मंडी के अंदर कतार बढ़ सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा मंडी के अंदर की स्थिति, जो कैंटिंग के पीछे वाले जो फील्ड साइड है उसके अंदर का तभी नीलामी कार्य मंडी के अंदर चल रहा है। तो उसके बाद में अब मेन फील्ड एक और है, जो कि मंडी की टंकी के पास वाली जो फील्ड है उसके अंतर्गत नीलामी कार्य चलेगा। उसके बाद में तीनों गली के अंतर्गत दोस्तों, मंडी के अंदर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अभी जो माल चल रहा है वो कैंटी के पीछे वाला, उसके बाद में टंकी के सामने वाली फील्ड साइड, उसके अंदर का नीलामी कार्य, जो थर्ड फील्ड का अंदर का नीलामी कार्य होगा, जो स्थिति आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और इसके बाद में जो मंडी चलेगी, यानी कि तीसरी जो मंडी चलेगी उसके अंतर्गत जो टंकी के पास वाली फील्ड में नीलामी कार्य चलेगा। तो संभावनाएं अभी जो देख के आया हूँ उसके अनुसार तो पूरी लग रही है कि मंडी के अंदर जो भी माल है वो पूरी तरह से बिक्री कार्य कंप्लीट हो जाए, और बचेगा तो भी बिल्कुल नाम मात्र का, लेकिन संभावना पूरी है। जिस प्रकार के ढेर देखने को मिले, जिस प्रकार के लोड देखने को मिले, और जिस प्रकार का नीलाम अभी मंडी के अंदर चल रहा है, तो संभावना पूरी है कि मंडी के अंदर तो लगभग सारा माल बिक जाए, और रहेगा तो भी बिल्कुल नाम मात्र का, लेकिन 100% संभावना मुझे तो लग रही है कि माल सारा बिक जाएगा मंडी के अंदर। अब गेट की बात करता हूँ, तो ये सिंगल लाइनों की कतार आज मंडी के अंदर पहली बार मुझे देखने को मिली है। तो सिंगल वाहनों की लाइन कतार है, कहीं हो सकता है डबल, बाकी कुछ कारणवश है कि सिंगल वाहनों की कतार हमें देखने को मिली, क्योंकि आगे कुछ ब्रेक भी हैं, कुछ वाहनों की डब्बी भी देखने को मिल रही हैं। तो आगे कुछ वाहनों का आवागमन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको जो गेट की स्थिति देखने को मिलेगी, आगे थोड़ा रोका हुआ है वाहनों को, तो जिससे वाहनों की कतार आपको सिंगल ही देखने को मिलेगी। तो मैं आपको एक स्थिति बता देता हूँ, 3:20 के आसपास के वाहनों की स्थिति है। तो 100 से 150 वाहनों के बीच की कतार, क्योंकि लंबी कतार है दोस्तों, तो इतने वाहनों को गिनना तो संभव नहीं है। क्योंकि तो मैं आपको एक अनुमानित बता देता हूँ कि आप मान लीजिएगा कि 90 वाहनों से लेकर 130 वाहनों के बीच में अभी हाल फिलहाल में कतार देखने को मिल रही है, क्योंकि गेट के अपोजिट साइड में भी कुछ वाहन उधर भी खड़े हैं, जो मैं सुबह देख कर आया था। तो अभी जो हमें देखने को मिल रही है, तो आप मान लीजिएगा कि 90 से लेकर 130-140 वाहनों की कतार अभी देखने को मिली है। इन वाहनों को मंडी के अंदर प्रवेश मिलेगा, वो शाम को मिलेगा दोस्तों, जो मंडी के अंदर सारा माल बिकेगा, खुलेगा, कंप्लीटेड होगा, तो उसके बाद में मंडी के अंदर इनको प्रवेश मिलेगा शाम को, जो कि स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। और संभवतः है कि मंडी के अंदर तो सारा माल बिक जाएगा, ये सूचना के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, मैं देख कर आया हूँ, तो सारा माल बिक जाएगा। और पेंडिंग रहेगा तो भी नाम मात्र वाला, गेट की स्थिति भी आप देख लीजिएगा, लंबी कतार हमें देखने को मिली है। और इसके बाद में मंडी प्रशासन किस प्रकार का निर्णय रहता है, आगामी सूचना किस प्रकार की होगी, वो भी जानकारी आपको आगामी आदेशानुसार सूचना करूँगा, लेकिन अभी तक तो यही निर्णय है। बाकी गेहूँ का भी आपको इसे स्थिति आपको बता देना चाहूँगा कि गेहूँ का भी नीलाम अब ट्रॉली के अंतर्गत ही होगा, खुले फील्ड में नीलामी कार्य नहीं किया जाएगा खुले ढेर का दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। बाकी मंडी की पूरी स्थिति मैंने आपको बता दी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार जानकारी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपका समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई दरअसल मंडी से सारी जानकारी देख पाएँ। मोटी क्वालिटी का एक लोड दोस्तों, जो कि साइज वाला माल है, बढ़िया साइज क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। और ये बिका है 13,700 रुपये प्रति क्विंटल आज दरअसल मंडी के अंदर। साइज स्पेशल है, माल भी सूखा आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया फिनिशिंग किया हुआ माल है दोस्तों, जो कि एकदम गोल साइज में माल है। और ये 13,700 रुपये प्रति क्विंटल आज दरअसल मंडी के अंदर बिकने वाला लोट, जो कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ,
13,700 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। दोस्तों एक और ऊँटी क्वालिटी का लोट आपको देखने को मिलेगा और 11,340 रुपये प्रति क्विंटल आज दरौदा मंडी के अंदर बिकने वाली एक और ऊँटी माल की क्वालिटी है, जो कि साइज़ देखेंगे इस प्रकार की बढ़िया साइज़ का माल आपको देखने को मिलेगा और सूखा भी है दोस्तों। साथ ही साथ 11,340 रुपये प्रति क्विंटल आज एक और लोट बिका है दोपहर के बाद में। इन बाबूजी को माल है कटे से हो विष्णुलाल जी कटे से बेपुर से कई बार बिके हैं 11,340 ऊँटी माल की क्वालिटी आप देखेंगे 11,900 रुपये प्रति क्विंटल बिका है, जो कि साइज बता देता हूँ मैं आपको। ये इस प्रकार के साइज का पैटर्न का माल आपको देखने को मिलेगा 11,900 रुपये प्रति क्विंटल आज दलोदा मंडी के अंदर बिकने वाली एक और क्वालिटी है। और यहाँ ऊँटी की साइज क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा इस माल के अंदर और सूखा भी है। 11,900 रुपये प्रति क्विंटल बिका है आज माल की एक और क्वालिटी 10,901 रुपये प्रति क्विंटल बिका है और साइजेस मिक्स है, बाकी बढ़िया स्पेशल साइज भी आपको इसके अंदर मिक्स देखने को मिलेगा। ऊँटी का बढ़िया सूखा माल जो 10,901 रुपये प्रति क्विंटल आज दरौदा मंडी के अंदर बिकने वाली एक और क्वालिटी आपको बता देता हूँ दोस्तों। ऊँटी माल की 10,901 रुपये प्रति क्विंटल आज दरौदा मंडी के अंदर बिकने वाला लोट है। क्वालिटी आज की 10,892 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। इसमें भी साइज़ की अगर बात की जाए तो बढ़िया साइज़ का माल इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। माल बढ़िया सूखा है 10,892 रुपये प्रति क्विंटल नई ऊँटी क्वालिटी का एक और लोट बिका है आज दरौदा मंडी के अंदर, जो कि बता देता हूँ मैं आपको। ये इस प्रकार के साइज में माल है और 10,892 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। क्वालिटी आज की बता देना चाहूँगा दोस्तों 8600 रुपये प्रति क्विंटल आज का लहसुन का लोट बिका है। एक और ऊँटी क्वालिटी 8,700 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाली आज की एक और क्वालिटी है और ये इस प्रकार के साइज़ का माल आपको देखने को मिलेगा 8600 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। का लोट ऊँटी क्वालिटी 6400 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। 6400 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाली आज की एक और क्वालिटी ऊँटी दांतरा माल का लोट आपको देखने को मिलेगा 6400 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। 6400 रुपये प्रति क्विंटल आज की एक और क्वालिटी आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि 10,181 रुपये प्रति क्विंटल ये देसी का लोट बिका है दोस्तों। नई देसी क्वालिटी का लोट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा और 10,181 रुपये प्रति क्विंटल आज दरौदा मंडी के अंदर बिकने वाली क्वालिटी है। इस प्रकार के साइज का माल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा 10,181 रुपये प्रति क्विंटल बिका है आज। और ऊँटी क्वालिटी का लोड देखेंगे, माल ये भी सूखा है लेकिन लड्डू पैटर्न की साइज थोड़ी ज़्यादातर देखने को मिलेगी। 10,400 रुपये प्रति क्विंटल आज दलोदा मंडी के अंदर बिकने वाली एक और क्वालिटी है। ये लोट आप देखेंगे जो कि 10,400 रुपये प्रति क्विंटल आज मंडी के अंदर बिकने वाला लोट है। 10,400 रुपये प्रति क्विंटल एक और क्वालिटी आज की जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये भी देशी माल का लोट आपको देखने को मिलेगा। 6711 रुपये प्रति क्विंटल आज दलोदा मंडी के अंदर बिकने वाली एक और क्वालिटी है। 6711 रुपये प्रति क्विंटल आज मंडी के अंदर बिका है देशी लहसुन की क्वालिटी 6711 रुपये। इन बाबूजी को माल कड़ी गांव को है बसंतीलाल जी कुमावत निम्बोत से। ये आज की एक और जो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा देशी माल का लोट 6811 रुपये प्रति क्विंटल आज दलोदा मंडी के अंदर बिकने वाली एक और क्वालिटी 6811 रुपये प्रति क्विंटल आज दलोदा मंडी के अंदर बिकने वाला लोट है। ये लोट देखेंगे आप इस प्रकार के साइज में नई देशी क्वालिटी है 6811 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। तो एक और क्वालिटी दोस्तों देशी माल की आपको बता देता हूँ 10,001 रुपये प्रति क्विंटल बिका है, जो कि देशी माल का लोट आपको देखने को मिलेगा। साइज़ बढ़िया वाली आपको स्पेशल साइज में माल ये इस प्रकार का आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये 10,001 रुपये प्रति क्विंटल आज दरौदा मंडी के अंदर बिकने वाली देशी लहसुन की क्वालिटी आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो 10,001 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। एक और लोट 9511 रुपये प्रति क्विंटल बिका है, जो कि साइजेस बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। इस प्रकार की साइज़ और क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा और ये बिका है दोस्तों आज दलोदा मंडी के अंदर 9511 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। 9511 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि इन भैया का माल कटा से दादा 750 से कई बार बिक्यू भैया 9511 दोस्तों, जो कि आपको बता देता हूँ 7,300 रुपये प्रति क्विंटल आज दरौदा मंडी के अंदर बिकने वाली एक और क्वालिटी है। 7,300 रुपये प्रति क्विंटल आज एक और लोट बिका है दरौदा मंडी के अंदर। 7,300 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाली एक और क्वालिटी देशी लहसुन का लोट 7,300 रुपये प्रति क्विंटल बिका है आपको देखने को मिलेगा, जो कि 8,001 रुपये प्रति क्विंटल आज दरौदा मंडी के अंदर बिकने वाली एक और क्वालिटी। 8,001 रुपये प्रति क्विंटल आज दरौदा मंडी के अंदर बिकने वाला नई देशी का एक और लोट और 8,001 रुपये प्रति क्विंटल बिका है।